तो राम प्रसाद बिस्मिल ने एक पाठ जो कक्षा 6 की किताब में है तो वो लिखते हैं कि 11 वर्ष की उम्र में माता जी का विवाह शाहजहाँपुर आई थी। मैं शाहजहाँपुर गया हूँ, वहाँ बहुत अच्छा हनुमंत धाम मंदिर भी है शाहजहाँपुर, जहाँ राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ। फर्रुखाबाद के पास ही शाहजहाँपुर है। जब मैं उत्तराखंड गया था पूनागिरी तो शाहजहाँपुर से होते हुए गया। 11 वर्ष की उम्र में माता जी का विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद ही दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। किसने? दादी ने। जब इनकी माँ की शादी होकर आई छोटी बहन, और उन्हीं ने गृहकार में माता जी को शिक्षा दी। पहले बाल विवाह होता था, बाल विवाह यानी कि बहुत ही कम उम्र में विवाह कर दिया 11 वर्ष की उम्र में, जब बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र होती, तो उन्हें कुछ शऊर तो था नहीं। तो उनकी जो दादी थी तो उन्होंने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। थोड़े ही दिनों में माताजी ने सब गृहकार को समझ लिया और भोजनादि का ठीक ठाक प्रबंध, खाना भी बनाने लगी। थोड़े दिनों में पहले उनकी मम्मी बनाती होंगी, उन्हें बनाना नहीं आता होगा, फिर उन्होंने सीख लिया। वो कहते हैं कि मेरे जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना सीखा। हिंदी पढ़ना, पढ़ना भी नहीं आता था क्योंकि पहले बच्चों के लिए पढ़ाई इतनी सुलभ नहीं होती थी। पढ़ने का शौक आपको खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की संग सहेली जो घर पर आ जाती थी, उन्हीं में से जो कोई पढ़ी लिखी होती थी, शिक्षित होती थी, उन्हीं से माताजी अक्षर बोध सीखती थी। माताजी उनसे अक्षर बोध का मतलब अक्षर का ज्ञान करती थी। इसी प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना का काम करती। पहले घर का भी काम करती थी फिर पढ़ती लिखती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही देवनागरी पुस्तकों का अवलोकन कर लिया। हम लोग जो पुस्तकें पढ़ते हैं वो कौन सी लिपि में लिखी है? देवनागरी। देवनागरी पुस्तकों का अवलोकन करने लगी। मेरी बहनों की छोटी आयु में माता जी ही शिक्षा दिया करती थी, यानी कि उनकी बहनों को भी उनकी माता जी ने ही पढ़ाया। इसकी रामप्रसाद बिस्मिल की। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया तब से माता जी से खूब वार्तालाप होता था। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो रामप्रसाद बिस्मिल कहते हैं मैं आज जो भी कुछ हूँ वो किसकी बदौलत? सिर्फ अपनी माता जी। मैं भी अति साधारण मनुष्य की तरह जीवन निर्वाह करता। शिक्षा के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी आपने मेरी वह सहायता की जो मेजिनी को उनकी माता ने दी। तो देखिए रामप्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी थे, हमारे देश को स्वतंत्र कराने में उनकी भूमिका थी। तो ये सब शिक्षा उन्हें कहाँ से मिली? अपनी माताजी से। यथा समय मैं उन सारी बातों का उल्लेख करूँगा। माताजी का सबसे बड़ा आदेश, माताजी ने मुझसे कहा था सबसे बड़ा आदेश कि किसी की प्राण हानि ना करना, यानी कि अपने हाथों से किसी को मारना। और देखिए हमारी सनातन संस्कृति में, हमारे हिंदू धर्म में, जहाँ तक कि अगर एक चीटा कोई भी जीव जंतु जिसको हम आँखों से देख सकते, देखिए अनजाने अनजाने तो बहुत से जीवों की हत्या हो जाती है कि पता लगा हम बैठ गए, लेकिन जानबूझ के हम लोग हत्या नहीं करते। जहाँ तक कि मच्छरों को भी ऑल आउट कुछ ऐसा प्रबंध करो, मच्छरदानी लगाओ, बहुत से लोग रैकेट लेके उसको जो तड़ातड़ मारते हैं, तो हत्या नहीं करनी है। कुछ ऐसी साफ सफाई रखो, अपने आसपास साफ सफाई रखो, मच्छर ज़्यादा ना पनपें, लेकिन रैकेट लेके उनको हत्या करना अच्छी बात नहीं, किसी की प्राण हानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी ध्यान से सुने, वो क्या कहते थे, उनकी माता कहना था कि तुम्हारा दुश्मन भी हो उसको भी प्राण दंड ना मारना, नहीं किसी को। आपने इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मजबूरन एक दो बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी। अब चूंकि वो क्रांतिकारी थे, देश को स्वतंत्र करा रहे थे, तो कभी कभी उन्होंने किसी की हत्या की होगी, क्योंकि क्रांतिकारी थे, अंग्रेज उनको पकड़ते तो उनके ऊपर गोली चलाते थे, वो उनके ऊपर हो सकता कभी कभी आदेश की अवहेलना हुई हो। जन्मदात्री जननी इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण परिशोध करने के प्रयत्न करने का भी अवसर। वो क्या कहते हैं कि माता जी का जो मेरे ऊपर ऋण था, ध्यान से सुने, वो क्या कहते हैं, माता जी का जो मेरे उपकार था वो मैं इस जीवन में अवसर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो क्रांतिकारी गतिविधियों में आ गए थे और बहुत ही कम उम्र में उनको फांसी की भी सजा हो गई। इस जन्म में तो क्या आदि अनेक जन्म में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता, माता का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया वो अवर्णनीय है। और वो क्या कहते हैं कि मेरे जीवन का जो सुधार किया वो अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी दैवी वाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया। तो बच्चों को कैसे सुधारा? अपनी दैवी वाणी, तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारा ही प्रोत्साहन मिला। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मूर्ति का ध्यान आ जाता और मस्तक
नत हो जाता। वो कहते अपनी माता जी का ध्यान करके मस्तक नत हो जाता। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, उलाना भी दिया, अगर गुस्सा भी हुई तो यही कहा कि तुम्हें जो इच्छा करो जाके, लेकिन कभी कड़ुए वचन नहीं बोले, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा, ये कहती थी। जीवनदात्री आत्मिक धार्मिक सामाजिक उन्नति में तुम मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता की इच्छा, महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर न होने दिया, सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट न अनुभव। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक तृष्णा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। तुम्हें मेरी मृत्यु का दुखद संवाद सुनाया जाएगा, माँ मुझे विश्वास है। वो क्या कहते थे, उन्हें मालूम था कि मैं एक न एक दिन देश के लिए बलिदान हो जाऊंगा, तो क्या कहते थे, एक दिन तुम्हें ये संदेश सुनाया जाएगा, माँ मुझे विश्वास है कि तुम ये समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलवेदी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारे कुल को कलंकित न किया, अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुना तो बहुत हर्षित हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वरदों की अंतिम समय में भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो। कब अंतिम समय, जब मैं मृत्यु को पाऊं या मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए। तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। ये राम प्रसाद बिस्मिल एक स्वतंत्रता सेनानी, एक अच्छे लेखक, एक अच्छे विचारक और वो पहलवानी भी करते थे, शरीर से भी बहुत हष्ट-पष्ट थे, हैं। भारत के अमर क्रांतिकारियों में श्री राम प्रसाद बिस्मिल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका जन्म 11 जून 1857 ईस्वी को शाहजहाँपुर जिले के खिरनी बाग मोहल्ले में हुआ। ब्रिटिश सरकार का विरोध करने पर 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को उन्हें गोरखपुर जिला जेल में फांसी दी गई। काकोरी जो कांड हुआ तो उसी में क्रांतिकारी होने के साथ साथ वे साहित्यिक रुचि के धनी सफल रचनाकार थे। उन्होंने आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, समीक्षा लेख, अनुवाद, कविता आदि अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई और इनकी प्रमुख रचनाएं निज जीवन की छटा, मन की लहर, बोल सेवकों की करतूत और केथोरायन। तो ये था राम प्रसाद बिस्मिल का लिखा हुआ मेरी